हेलो एवरीवन वेलकम टू फन विद स्टडी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एट पॉइंट टू क्वेश्चन वन फाइंड द सम सम का मतलब होता है एडिशन के आंसर को सम कहते हैं सो so, हमें प्लस करना है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइव अपॉन फोर प्लस माइनस सेवन अपॉन फोर सो इस क्वेश्चन में देखो दोनों में डिनोमिनेटर्स फोर फोर है दैट इज सेम तो हमें सिर्फ ऐड करना है फर्स्ट विल राइट फाइव अपॉन फोर प्लस माइनस क्या होता है माइनस एवन अपॉन फोर ओके सो देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स फोर ही है सो so, हम सॉल्व कर सकते हैं सो व्हाट इज़ प्लस माइनस ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में है प्लस माइनस इज माइनस सो अलेवन माइनस फाइव कितना होता है सिक्स होता है ओके okay. इस साइन में देखो प्लस माइनस माइनस हो गया अब यहाँ कुछ नहीं मतलब ये प्लस है प्लस माइनस क्या होता है माइनस सो so, आपको माइनस करना है एंड देन हमें ग्रेटर नंबर साइन लगाना है सो so, कौन सा नंबर बड़ा है फाइव या एवन एलेवन बड़ा है एलेवन में साइन है माइनस इसलिए माइनस एंड डिनोमिनेटर है फोर सो आंसर इज माइनस सिक्स अपॉन फोर इसको हम और कट भी कर सकते हैं सो so, देखो सिक्स और फोर दोनों टू की टेबल में आते हैं सो so, टू की टेबल में सिक्स आता है थ्री टाइम्स एंड टू की टेबल में फ़ोर आता है टू टाइम्स माइनस है इसलिए माइनस सो इसको अगर अपन कट करेंगे तो आएगा माइनस थ्री अपॉन टू नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन फाइव सो हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड द सम एंड लुक एट द डोमिनेटर्स बोथ द डेमिनेटर्स आर डिफरेंट दोनों में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है अलग अलग है सो फर्स्ट थिंग ये है कि हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे कैसे करेंगे एल सी एम लेकर हम नीचे के डिनोमिनेटर्स थ्री और फाइव का एल सी एम लेंगे सो so, देखो थ्री फाइव टू की टेबल में नहीं आता है सबसे पहले थ्री थ्री की टेबल में आएगा वन टाइम फाइव नहीं आता है और फाइव आएगा फाइव की टेबल में वन टाइम सो एल सी एम इज़ थ्री इंटू फाइव इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देट इज़ फिफ्टीन ओके सो अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को फिफ्टीन करना है आई एम राइटिंग द सेम थिंग अगेन मैं फिर से ही दोनों नंबर्स लिख रही हूँ ओके सो देखो इस थ्री को फिफ्टीन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन अगर डिनोमिनेटर को फाइव से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी फाइव से ही करेंगे थ्री अपॉन फाइव फाइव को फिफ्टीन बनाने के लिए मल्टीप्लाई इट विथ थ्री ओके सो नाउ फाइव इंटू फाइव इज़ ट्वेंटी फाइव थ्री इंटू थ्री इज़ नाइन एंड थ्री इंटू फाइव इज़ फिफ्टीन फाइव इंटू थ्री इज़ फिफ्टीन देखो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव हुआ प्लस लगाया थ्री इंटू थ्री नाइन होता है एंड थ्री इंटू फाइव फाइव इंटू थ्री दोनों में फिफ्टीन ही है इसलिए हम एक बार ही फिफ्टीन लिख रहे हैं कॉमन लिख रहे हैं फिफ्टीन सो वॉट इज ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन ओके ये दोनों कोई भी अब सेम टेबल में नहीं कट रहे सो आंसर इज थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन क्वेश्चन सी क्वेश्चन थ्री इन अपॉन टेन प्लस ट्वेंटी टू अपॉन फिफ्टीन सो इस क्वेश्चन में दोनों की डिनोमिनेटर्स क्या है टेन और फिफ्टीन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है सो हम एल सेम लेंगे फर्स्ट विल स्टार्ट विद टू टू की टेबल में टेन आता है फाइव टाइम्स फिफ्टीन नहीं आता है फिर टू के बाद हम थ्री लेके देखते हैं थ्री कोई टेबल में आता है फाइव में नहीं आता फिफ्टीन में आएगा इसलिए थ्री लिखेंगे फाइव नहीं आएगा फिफ्टीन आएगा फाइव टाइम्स अब फाइव फाइव की ही टेबल में आएगा वन टाइम सो एल सी एम इज़ टू इंटू थ्री इंटू फाइव टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स इंटू फाइव इज़ थर्टी सो आई एम राइटिंग द सेम थिंग फिर से मैं सेम सेम ये लिख रही हूँ थोड़ा गैप छोड़कर अब देखो इस टेन को थर्टी बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से फिफ्टीन को थर्टी बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से नाइन इंटू थ्री इज ट्वेंटी सेवन माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे प्लस ट्वेंटी टू इंटू टू इज़ फोर्टी फोर टेन इंटू थ्री थर्टी होता है फिफ्टीन टू से थर्टी होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस सो फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन बड़े इसको छोटे से माइनस करेंगे फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन सेवेंटीन ग्रेटर नंबर साइंग बड़ा नंबर है फोर्टी फोर इसमें प्लस है इसलिए प्लस डिनोमिनेटर थर्टी आंसर इज सेवेंटीन अपॉन थर्टी क्वेश्चन फोर माइनस थ्री माइनस एलेवन प्लस फाइव अपॉन नाइन ओके सो इस क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर में माइनस है डिनोमिनेटर में माइनस है माइनस माइनस कट जाएगा अब दोनों के डिनोमिनेटर्स देखो एलेवन नाइन दोनों डिफरेंट है सो विल टेक एल्शियम एलेवन एंड नाइन एल्शियम लेंगे टू वहाँ से हम नहीं लिख सकते क्योंकि 11 है, ये इलेवन एंड नाइन है कोई भी टेबल में नहीं आता है थ्री की टेबल में नाइन आएगा थ्री टाइम्स एल सी एम एज़ थ्री इंटू थ्री इंटू इलेवन थ्री इंटू थ्री इज़ नाइन नाइन इंटू इलेवन इज़ नाइन्टी नाइन सो एलसीएम आया नाइन्टी नाइन पहले हम ये नंबर्स लिख लेंगे अब लेवन को नाइन्टी नाइन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे नाइन से और नाइन को नाइन्टी नाइन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे लेवन से थ्री इंटू नाइन इज़ ट्वेंटी सेवेन प्लस फाइव इंटू लेवन इज़ फिफ्टी फाइव वन इंटू नाइन होता है नाइनटी नाइन नाउ वी विल एड आंसर इज एटी टू अपॉन नाइनटी नाइन नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन फाइव माइनस एट अपॉन नाइनटीन प्लस माइनस टू अपॉन फिफ्टी सेवन सो देखो दोनों में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है नाइनटीन और फिफ्टी सेवन ओके सो देखो पहले हम इसको सेम टेबल से डिवाइड करेंगे जैसे नाइनटीन तो थ्री की टेबल में नहीं आएगा फिफ्टी सेवन आएगा फिफ्टी सेवन थ्री की टेबल में कितनी बार आएगा इनटीन टाइम्स और नाइनटीन नाइनटीन दोनों नाइनटीन की ही टेबल में आएंगे वन टाइम सो एल सी एम एस थ्री इंटू नाइनटीन फिफ्टी सेवन फर्स्ट हम ये नंबर लिखेंगे और ये भी नंबर लिखेंगे देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस प्लस माइनस माइनस या माइनस एट है प्लस माइनस माइनस टू अपॉन फिफ्टी सेवन मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है अब देखो नाइनटीन को फिफ्टी सेवन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते थ्री से Hmm, देखो 19 इंटू थ्री फिफ्टी सेवन होता है सो so, 19 इंटू थ्री फिफ्टी सेवन होगा और फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन की टेबल में वन टाइम आएगा सो एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर नेगेटिव है इसलिए माइनस लगाएंगे माइनस टू इंटू वन होगा माइनस टू और डिनोमिनेटर है फिफ्टी सेवन कॉमन दोनों में फिफ्टी सेवन है, सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस सो ट्वेंटी फोर प्लस टू होता है ट्वेंटी सिक्स और साइन लगाएंगे ग्रेटर नंबर यहाँ ट्वेंटी फोर माइनस है इसलिए माइनस आंसर इज माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टी सेवन क्वेश्चन सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री प्लस जीरो सो इस क्वेश्चन में देखो कोई भी नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो सेम आंसर वही नंबर होगा ओके okay, अगर कोई नंबर को जीरो से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक करेंगे तो आंसर विल बी सेम क्वेश्चन सेवन माइनस टू वन अपॉन थ्री प्लस फोर थ्री अपॉन फाइव सो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले हम इसे इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थ्री टू जार सिक्स फिर ऊपर वाले नंबर को ऐड करते सिक्स प्लस वन सेवन डिनोमिनेटर सेम थ्री रहेगा आ, देखो माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे प्लस फोर इंटू फाइव ट्वेंटी होगा ट्वेंटी प्लस थ्री इज ट्वेंटी थ्री डिनोमिनेटर फाइव अब थ्री फाइव दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैल सी एम ऑफ थ्री एंड फाइव एल सी एम इज फिफ्टीन माइनस सेवन अपॉन थ्री अब देखो सॉरी अब देखो थ्री को फिफ्टीन बनाने के लिए बिविल मल्टीप्लाई इट विट फाइव एंड फाइव को फिफ्टीन बनाने के लिए हम करते हैं थ्री से मल्टीप्लाई थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन फाइव थ्री से फिफ्टीन सेवन इंटू फाइव होता है थर्टी फाइव माइनस लगाएंगे प्लस ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री इज सिक्सटी नाइन थ्री थ्री सा नाइन थ्री टू जै सिक्स अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस सो माइनस करेंगे सिक्सटी नाइन माइनस थर्टी फाइव थर्टी फोर आ रहा है अब ग्रेटर नंबर साइन लगाएंगे या माइनस प्लस देखो सिक्सटी नाइन बड़ा है प्लस है तो इसलिए आंसर है थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन वन ना विल सॉल्व क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू फाइंड सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस सेवेंटीन अपॉन थर्टी सिक्स सो देखो ट्वेंटी फोर एंड थर्टी सिक्स दोनों में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है सो so, पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे हमें करना है माइनस और माइनस तभी करा जाएगा जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे सो हम हलसीएम लेंगे ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स टू की टेबल में आएंगे टू की टेबल में मतलब जब ट्वेंटी फोर को टू से डिवाइड करेंगे, करेंगे तो ट्वेल्व आएगा एंड थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो एटीन आएगा अगेन टू लेंगे टू की टेबल में ट्वेल्व आएगा सिक्स टाइम्स टू की टेबल में एटीन आएगा नाइन टाइम्स टू टू की टेबल में सिक्स आएगा थ्री टाइम्स नाइन नहीं आएगा थ्री और नाइन अब देखो थ्री की टेबल में आएंगे वन टाइम एंड थ्री टाइम एंड थ्री थ्री की टेबल में आएगा वन टाइम सो एल सी एम एस टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री टू टू ज़ार फोर फोर टू ज़ार एट एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सेवेंटी टू सो द एल सेम एज सेवेंटी टू पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फोर फिर सेकेंड नंबर लिखेंगे सेवेंटीन अपॉइंट थर्टी सिक्स अब देखो ट्वेंटी फोर को सेवेंटी टू बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से अब आप बोलोगे कि हाँ हमें कैसे पता चलेगा कि थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो देखो हमें चाहिए सेवेंटी टू अब सेवेंटी टू को ट्वेंटी फ़ोर से जब डिवाइड करते हैं ट्वेंटी फ़ोर थ्री टाइम्स आता है ओके सेवेंटी टू आता है थ्री टाइम्स इसलिए हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्टी सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करने से सेवेंटी टू आता है ओके okay. नाओ देखो अब देखो दोनों के डिनिनेटर्स सेवेंटी टू हो गए हैं न्यूमरेटर्स देखो सेवन इंटू थ्री इज ट्वेंटी वन माइनस सेवनटीन इंटू टू इज थर्टी फोर अब देखो नीचे सेवेंटी टू है ट्वेंटी वन माइनस थर्टी फोर प्लस माइनस होगा माइनस ओके, सो आप माइनस करेंगे एंड ग्रेटर नंबर साइंग लगाएंगे ओके okay. माइनस है सो आंसर इज माइनस थर्टीन अपॉन सेवेंटी टू क्वेश्चन टू फाइव अपॉन सिक्सटी थ्री माइनस माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन सो इस क्वेश्चन में देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है सो फर्स्ट विल टेक एलसीएम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्सटी थ्री एंड ट्वेंटी वन का एलसीएम लेंगे देखो ये दोनों थ्री के टेबल में आएंगे मतलब जब सिक्सटी थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आएगा ट्वेंटी वन ओके सो सिक्सटी थ्री को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो आएगा ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन दोनों थ्री के टेबल में आते हैं सेवन टाइम्स थ्री इंटू थ्री इज नाइन नाइन इंटू सेवन एज सिक्सटी थ्री सो सिक्सटी थ्री ही है सेम सिक्सटी थ्री इधर है वी विल मल्टीप्लाईट विथ वन क्योंकि सेम ही नंबर चाहिए और ट्वेंटी वन को सिक्सटी थ्री बनाने के लिए हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं सो सिक्सटी थ्री नीचे आएगा डेनोमिनेटर फाइव इंटू वन एज फाइव प्लस सिक्स इंटू थ्री इज एटीन एटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी थ्री ओके सो देखो दोनों के डिनिनेटर सेम कर लिए और दोनों को सॉल्व भी कर लिया सो आंसर इज ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्सटी थ्री नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन थ्री माइनस सिक्स अपॉन थर्टीन माइनस माइनस सेवन अपॉन फिफ्टीन सो देखो माइनस सिक्स अपॉन थर्टीन प्लस माइन सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थर्टीन फिफ्टीन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो so, पहले हम एलसीएम लेंगे 15 नहीं आएगा फिफ्टीन आएगा फाइव टाइम्स थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू थर्टीन कितना होता है देखते हैं वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव ओके सो देखो फिफ्टीन इंटू थर्टीन करने से वन फाइव आता है अब देखो थर्टीन को क्या मल्टीप्लाई करने से वन फाइव आता है तो थर्टीन को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करने से वन हंड्रेड फाइव आता है और फिफ्टीन को किससे मल्टीप्लाई करने से वन आता है 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से सिक्स इंटू फिफ्टीन इज़ नाइन्टी माइनस है प्लस थर्टीन इंटू सेवन कितना होता है देखते हैं नाइन्टी वन माइनस प्लस होता है माइनस सो नाइन्टी माइनस नाइन्टी मतलब नाइन्टी वन माइनस नाइन्टी करेंगे तो वन आएगा वन नाइन्टी फाइव डिनोमिनेटर है एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस में है ग्रेटर नंबर इसलिए आंसर है वन अपॉन वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव क्वेश्चन फोर माइनस थ्री अपॉन एट माइनस सेवन अपॉन इलेवन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे टू इंटू टू इज फोर फोर इंटू टू इज एट एट इंटू इलेवन इज एटी एट माइनस थ्री अपॉन एट लिखेंगे माइनस सेवन अपॉन एलेवन लिखेंगे अब एट को एटी एट बनाने के लिए हम इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एवन को एटी एट बनाने के लिए हम करेंगे एट से मल्टीप्लाई थ्री इंटू लेवन इज थर्टी थ्री माइनस है एंड माइनस सेवन इंटू एट इज फिफ्टी सिक्स एट इंटू अवन इलेवन इंटू एट एटी एट आएगा अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है सो वॉट इज़ थर्टी थ्री प्लस फिफ्टी सिक्स एटी नाइन अपॉन एटी एट माइनस माइनस है मतलब ग्रेटर नंबर में माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस क्वेश्चन फाइव माइनस टू वन अपॉन नाइन माइनस सिक्स इस क्वेश्चन में देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है सो so पहले इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे नाइन इंटू टू इस एटीन एटीन प्लस वन होगा नाइनटीन डिनोमिनेटर नाइन माइनस है इसलिए माइनस का साइन माइनस सिक्स सो यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ डिनोमिनेटर वन है सो नाइन वन दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है नाइन वन का एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा नाइन सो so नाइन को नाइन बनाने के लिए हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं और वन को नाइन से नाइन बनाने के लिए हम नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे नाइनटीन इंटू वन इज नाइनटीन सिक्स इंटू नाइन इज फिफ्टी फोर माइनस है इसलिए ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस आंसर इज माइनस सेवेंटी थ्री अपॉन नाइन सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन टू विल सॉल्व क्वेश्चन थ्री फाइंड द प्रोडक्ट सो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है प्रोडक्ट का मतलब होता है मैम हमें मल्टीप्लाई करना है सो so देखो फर्स्ट क्वेश्चन है नाइन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन फोर पहले हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या कोई नंबर ऐसे कटता है जैसे नाइन फोर क्या कोई सेम टेबल में आते हैं नहीं आते टू और माइनस सेवन भी इस कोई सेम टेबल में नहीं आते हाँ सो so, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों कोई सेम टेबल में कट नहीं होते हम मल्टीप्लाई करेंगे नाइन इंटू सेवन इज सिक्सटी थ्री टू इंटू फोर इज़ एट और देखो प्लस माइनस होता है माइनस जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम साइन देख के लगाते हैं जैसे प्लस प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे प्लस माइनस है तो माइनस का माइनस प्लस है तो माइनस का और प्लस प्लस है तो प्लस का इसमें ग्रेटर नंबर साइन नहीं देखते हैं मल्टीप्लाई में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टू थ्री अपॉन टेन मल्टीप्लाई में माइनस नाइन सो देखो टेन और नाइन सेम टेबल में नहीं आते थ्री इंटू नाइन इज ट्वेंटी सेवन डिनोमिनेटेड टेन और देखो प्लस माइनस इज माइनस आंसर इज माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन क्वेश्चन थ्री माइनस सिक्स अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन अपॉन एलेवन सिक्स इलेवन कोई सेम टेबल में नहीं कट रहे ना ही फ़ाइव नाइन कोई सेम टेबल में आते हैं सो अब मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू नाइन इज़ फिफ्टी फोर फाइव इंटू इलेवन इज़ फ़िफ्टी फ़ाइव माइनस प्लस होता है माइनस आंसर इज माइनस फिफ्टी फोर अपॉन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन फोर थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन फाइव सो थ्री फाइव सेम टेबल में नहीं आते हैं सेवन टू भी सेम टेबल में नहीं आते थ्री टू जर सिक्स सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव प्लस माइनस माइनस क्वेश्चन फाइव थ्री अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई बैट टू अपॉन फाइव सो देखो कोई सेम टेबल में नहीं कट रहे हैं थ्री टूज हुआ सिक्स एलेवन इंटू फाइव इज फिफ्टी फाइव क्वेश्चन सिक्स थ्री अपॉन माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई माइनस फाइव अपॉन थ्री ये देखो थ्री की टेबल में थ्री आएगा वन टाइम दोनों थ्री वन टाइम्स आते हैं और फाइव की टेबल में फाइव आएगा वन टाइम वन टाइम या माइनस है इसलिए माइनस वन माइनस वन अब वन इंटू माइनस वन होगा माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस वन होगा माइनस वन इंटू वन होगा माइनस वन माइनस माइनस कट जाएंगे आंसर इज वन सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन थ्री नाव विल सॉल्व क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस फोर डिवाइड बाई टू अपॉन थ्री सो देखो इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है कैसे करेंगे देखो पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे माइनस फोर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे और टू अपॉन थ्री का रेसिप्रोकल कर लेंगे मतलब जो थ्री नीचे है वो आ जाएगा ऊपर और जो टू ऊपर है वो आ जाएगा नीचे फिर हम चेक करेंगे कि क्या कोई सेम टेबल में कट होते हैं सो so, देखो टू की टेबल में टू वन टाइम आता है टू की टेबल में फ़ोर आता है टू टाइम्स माइनस है इसलिए माइनस टू अब देखो टू इंटू थ्री इज सिक्स और यह माइनस है इसलिए माइनस सिक्स सो आंसर इज माइनस सिक्स टू थ्रीज आर सिक्स माइनस प्लस माइनस एंड आंसर इज माइनस सिक्स और वन डिनोमिनेटर लगाएंगे तो भी सेम ही आंसर रहेगा और माइनस सिक्स लिखेंगे तो भी सेम ही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे माइनस थ्री अपॉन फाइव डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई का साइन टू अपॉन वन मतलब न्यू डिनोमिनेटर कुछ नहीं है इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर वन है सो so, इसका एल इसका रेसी प्रोकल करेंगे टू अपॉन वन का रेसी प्रोकल होगा वन अपॉन टू अब कोई सेम टेबल में नहीं कटोरे विल मल्टीप्लाई नाउ हो थ्री इन वन इज थ्री फाइव टू से टेन माइनस थ्री अपॉन्ट टेन क्वेश्चन थ्री माइनस फोर अपॉइन फाइव डिवाइड बाई माइनस थ्री सो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई का साइन एंड इस नंबर का हम रेसी प्रोकल कर लेंगे माइनस थ्री अपॉइन वन का रेसी प्रोकल होगा वन अपॉन्ट थ्री और माइनस चला जाएगा ऊपर माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहे हैं माइनस न्यूमरेटर में लगा रहे हैं सो कोई सेम टेबल में नहीं कट रहे हैं फोर इंटू वन इज़ फोर फाइव थ्री इज आर फिफ्टीन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आंसर इज फोर अपॉन फिफ्टीन क्वेश्चन फोर माइनस वन अपॉन एट डिवाइड बाई थ्री अपॉन फोर सो माइनस वन अपॉन एट लिखेंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्ला का साइन थ्री अपॉन फोर का रैसी प्रोकल हो जाएगा फोर अपॉन थ्री अब देखो वन थ्री कोई सेम टेबल में नहीं आते बट एट और फोर सेम टेबल में आते हैं फोर वन टाइम आएगा एट आएगा टू टाइम्स माइनस वन इंटू वन वन इन वन वन होगा माइनस प्लस होगा माइनस टू थ्री हार सिक्स आंसर इज माइनस वन अपॉन सिक्स क्वेश्चन फाइव माइनस टू अपॉन थर्टीन डिवाइड बाय वन अपॉन सेवन सो इस क्वेश्चन में देखो पहले हम नंबर लिखेंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन वन अपॉन सेवन का रेसी प्रोकल हो जाएगा सेवन अपॉन वन सेवन अपॉन वन आप कोई सेम टेबल में नहीं कटोरे सो टू इंटू सेवन इज फोर्टीन माइनस प्लस इज माइनस थर्टीन इंटू वन इज थर्टीन क्वेश्चन सिक्स माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व डिवाइड बाई माइनस टू अपॉन थर्टीन सो पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और टू अपॉन थर्टीन का रेसिप्रोकल कर लेंगे थर्टीन अपॉन टू माइनस नीचे आएगा बट हम लगाएंगे ऊपर ओके okay. अब इस क्वेश्चन में देखो ये कोई भी सेम टेबल में नहीं कट रहे नाउ विल मल्टीप्लाई सेवन इंटू थर्टीन नाइन्टी वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ट्वेल्व इंटू टू इज ट्वेंटी फोर क्वेश्चन सेवन लास्ट क्वेश्चन थ्री अपॉन थर्टीन डिवाइड बाई माइनस फोर अपॉन सिक्सटी फाइव सो थ्री अपॉन थर्टीन लिखेंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड माइनस फोर अपॉन सिक्सटी फाइव का रेसी प्रो कल हो जाएगा माइनस सिक्सटी फाइव अपॉन फोर माइनस डिनोमिनेटर की जगह हम न्यूमरेटर में लगाएंगे सो so, देखो थर्टीन और सिक्सटी फाइव थर्टीन के टेबल में आते हैं थर्टीन वन टाइम आता है सिक्सटी फाइव फाइव टाइम्स आता है माइनस आता है इसलिए माइनस लगाएंगे थ्री इन फाइव इज़ फिफ्टीन वन इन टू फोर इज़ फोर प्लस माइनस इज माइनस सो वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज एट पॉइंट टू एक्सरसाइज एट पॉइंट वन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली है सो वी हैव कम्पलीटेड चैप्टर इट नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू